परम शांति। आत्मज्ञानी और स्व अनुभवी इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि वह कर्ता से मुक्त हो जाता है, कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। कर्म पाप या पुण्य तभी बनते हैं जब उसको करने वाले के अंदर मैं का अहंकार हो। जब करता ही नहीं तो कैसा पाप और कैसा पुण्य, वो दोनों से ही मुक्त है। इसलिए जिसने कामनाएं और क्रोध को साक्षी भाव से देखकर उसमें उलझना छोड़ दिया हो, जिसने मन की होने वाली गड़बड़ी को साक्षी भाव से सुनकर उसको उसमें उलझना छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति को कौन अशांत बना सकता है। देखिए, जो पक्षी होता है वो जाल में तभी फंसता है जब वो जाल के संपर्क में आता है। मछली तभी कांटे में फंसती है जब वो अपने लालच के कारण उस कांटे के पास जाती है। इसी प्रकार जो आत्मयोगी व्यक्ति होता है वो जानता है कि माया का कौन सा कांटा उसको उलझा सकता है, इसीलिए वह उसको साक्षी भाव से देखते हुए उसके पास से ही निकल जाता है और अपने स्व अनुभवी रूपी अमृत सागर आनंद और शांति में लीन रहते हुए मुक्ति में विचरण करता है। परम शांति।